फिर वक्त का मुनासिब इस्तेमाल, एक एक सेकंड का हिसाब हो। हमारे स्कूल में टीचर कहा करते थे कि टाइम टेबल के हिसाब से ज़िंदगी हो, पूरी 24 घंटे का हिसाब हो, कब उठना है, कब सोना है, कम सोने सोया जाए, और जो ज़िंदगी का 24 घंटे का वक्त है उसको आप तकसीम करें कि कब क्या करना है। फालतू दोस्तों से जो वक्त ज़ाया करें उनसे ना मिलें। शेख साजी ने कहा कि अगर अपने जैसे लोगों से दोस्ती करेगा तो वक्त ज़ाया करेगा, अपने बेहतर लोगों से दोस्ती करो तो हासिल करोगे। तो एक तो ये मकसद का तायुन, दूसरे वक्त का मुनासिब इस्तेमाल, क्योंकि वक्त तो ख़त्म हो रहा है तेज़ी के साथ, जाने का बड़ा आवाज़ है। तो वक्त का मुनासिब इस्तेमाल लिख पढ़ के ये तायुन करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे ज़िंदगी में क्या करियर अपनाना है। और वो तो है ही, मेन करियर तो है ही कि हमें आखिरत की तैयारी के लिए भेजा गया, फिर दुनिया में हमें क्या करना है, ये तायुन करके इन चीज़ों पे अपना टाइम लगाना। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, इन दोस्त के ज़रिए इन की शमा को मार्शे में जलाना, किताबें पढ़ने का शौक़ बेदार करना, और ख़ुद भी लिखने लिखाने के सिलसिले को जारी रखना, और तस्नीफ़ व तारीफ़, और उसमें कोशिश ये है कि अपनी याददाश्तें, ताकि मैंने जो कुछ भी सीखा ज़िंदगी में दूसरों को मुंतकिल करना, एक किताब, टेलीविज़न, न्यूज़ पर, और अपनी याददाश्तें और अपने समान ही खाके लिखने, जिन जिन लोगों जो जो लोग ज़िंदगी में शामिल रहे उन पर समान ही खाके लिखने का प्रोग्राम है, और इस हवाले से कुछ करने का प्रोग्राम है, ताकि आने वालों को कुछ दे के जाएँ, कुछ बता के जाएँ।